नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। देवभूमि समाचार में आप रुक करेंगे खबरों का। उत्तराखंड प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक बुधवार को राज्य सचिवालय में हुई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें एक मामले को छोड़कर सभी 25 प्रस्ताव पास किए गए हैं और इस दौरान धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ है। अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हुआ है और इसमें 10 साल की सजा होगी। धामी कैबिनेट में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है आज, और इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर भी बड़ा फैसला किया गया है। बैठक में नैनीताल हाईकोर्ट को हल्द्वानी में शिफ्ट करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। उत्तराखंड सरकार जल्द ही बेरोजगार युवाओं को तोहफा देने वाली है। बेरोजगार युवाओं को शिक्षा विभाग, अतिथि शिक्षक और आउटसोर्स के जरिए 7,000 के करीब शिक्षकों को प्रदेश के विभिन्न स्कूलों में भर्ती कराने जा रही है। भर्ती को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि इन 7,000 के अलावा जो विभिन्न विभागों में 19,000 के करीब पद रिक्त हैं, उनको जल्द भर लिया जाएगा, जिसकी समीक्षा वह खुद कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद प्रत्येक साल 10 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा और उसी कड़ी में प्रदेश सरकार 19,000 लोगों को जल्द रोजगार मुहैया करवाएगी। को लेकर हम लगातार पहले से कह रहे हैं कि हमें अभी तुरंत लगभग 19,000 जो हमारी इन 7,000 के अलावा जो 19,000 पद हमारे रिक्त हैं, हमारा संकल्प है कि हम जल्दी से जल्दी उसको पूरा करेंगे। देश के अंदर जहां माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक साल के अंदर 10 लाख लोगों को रोजगार देने का संकल्प लिया है, उसी कड़ी में उत्तराखंड के भी जितने हमारे सरकारी विभाग हैं सभी की मैं स्वयं समीक्षा कर रहा हूँ और जहाँ भी हमारे पद खाली हैं उन पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ। उत्तराखंड के पशुपालकों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने आज मोबाइल पशु चिकित्सा इकाई की शुरुआत की है और जिसके माध्यम से दूरस्थ इलाकों में भी अब इन चिकित्सा इकाइयों के जरिए पशुओं का इलाज हो सकेगा। तो दूरस्थ इलाकों में भी अब पशुओं का इलाज हो सकेगा और जिसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर 1962 यानी 1962 भी जारी किया गया है। बता दें कि पहले चरण में 60 चिकित्सा इकाइयों को प्रदेश के 13 जिलों में भेजा जा रहा है, जबकि दूसरी खेप में 60 और चिकित्सा इकाइयों को भी भेजा जाएगा। आज जहां लंबे समय से जो हमारे पशु चिकित्सक हैं उनका एमपी अलाउंस सभी विभागों में मिल रहा है तो उनके विभाग में भी मिलना चाहिए, जिससे कि हमारे पशुपालकों का और पशुओं का ठीक प्रकार से वो सहायता कर पाएंगे, ठीक प्रकार से अपना योगदान दे पाएंगे। वहीं आज यहाँ पर गोड वैली और हमारे गोकुल मिशन और एम्बुलेंस जो पशु पालन के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होंगी हमारे दुर्गम इलाकों में जहाँ पर बहुत कठिन परिस्थितियों में पशुपालक काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सहायता होगी और जल्दी से जल्दी जहाँ पशुधन की जो हमारी हानि होती है वह भी कम होगी। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी नेता पुनीत मित्तल की माताजी के निधन पर उनके आवास पर जाकर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना भी की है। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी नेता पुनीत मित्तल की मां के निधन पर शोक जाहिर किया है। सीएम धामी ने शोक व्यक्त किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डोईवाला पहुंचकर आदर्श संस्था के कार्यक्रम में शिरकत की और कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं को गर्म कपड़े और पुरस्कार भी प्रदान किए। इस दौरान इसके साथ ही कार्यक्रम में बीएसएफ के कमांडेंट के साथ सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को शॉल और प्रशस्ति पत्र दिए। डोईवाला के शहीद हुए सैनिक के परिवार को भी सम्मानित किया गया इस दौरान और इसके साथ ही कई अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रम प्रोत्साहन के कार्यक्रम जहां पर हमारे विद्यार्थियों का कार्यक्रम, नौनिहालों के कार्यक्रम और साथ में हमारे सेना से जुड़े हुए, अर्धसैनिक बलों से जुड़े हुए, एनसीसी के लोग, उन सभी को अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए जहां यहां पर सम्मानित किया गया, ये निश्चित रूप से ये उनके लिए प्रोत्साहन है कि आगे चलकर वो और अच्छे काम करें और अच्छा लोगों की सेवा में अपना नाम बढ़ाएं, अपना काम बढ़ाएं और संस्था को भी बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं कि संस्था भी इनके लिए लगातार।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड जल विद्युत निगम के 22वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि UJVNL ने जल विद्युत क्षेत्र में अपनी विकासशील सोच, अभूतपूर्व क्षमता एवं उच्च कोटि की कार्य संस्कृति के बल पर आज राज्य की नहीं अपितु देश भर की सरकारी संस्थानों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई है। राज्य स्थापना के मूल में उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने की अवधारणा को भी साकार करने में विद्युत निगमों से सक्रियता से सहयोगी बनना होगा। नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि विधानसभा सचिवालय के सत्र को लेकर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी विधायकों से यह अपील की है कि विधानसभा सत्र की कार्यवाही को ठीक प्रकार से चलाएं ताकि प्रदेश के मुद्दे उठाए जा सके। सत्र के लिए 500 से ज्यादा सवाल विधायकों के द्वारा विधानसभा को भेजे जा चुके हैं, जिसमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी सवाल विधानसभा सत्र के लिए विधायकों के तरफ से भेजे जाएंगे। विधानसभा सचिवालय उत्तराखंड की पूरी तैयारी हमेशा से ही रहती है और इस वक्त भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। 500 से ज्यादा सवाल आ चुके हैं, तैयारी पूरी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी पहले की तरह सत्र अच्छे से चलेगा और सद्भाव के साथ चलेगा और जो विधायक हैं हमारे वो ज्यादा से ज्यादा सवाल उठाएंगे ताकि अपनी विधानसभाओं के बारे में वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा सके। सवाल एक, विधानसभा ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने के न्यू कैंट रोड स्थित कैंप कार्यालय में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक मसूरी के विभिन्न स्थानों में आयोजित होने वाले विंटर लाइन कार्निवाल के सफल आयोजन के संबंध में अधिकारियों के साथ एक बैठक की। बैठक में गणेश जोशी ने कहा है कि पहाड़ों की रानी मसूरी में आने वाले किसी भी पर्यटक को कोई असुविधा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। पार्किंग, यातायात प्रबंध, सुरक्षा व्यवस्था, पेयजल एवं विद्युत की उपलब्धता की सभी तैयारियां समय पर पूर्ण कर ली जाए। उधर लक्सर में एबीवीपी के पूर्व तहसील संयोजक विकास कुमार की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर राजकीय महाविद्यालय के गेट के सामने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका। छात्रों ने पुतला फूंकते हुए उच्च शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव तो सरकार ने बड़े ही ढंग से करा दिए हैं, लेकिन पिछले 2 वर्षों से छात्र संघ चुनाव अधर में लटके हुए हैं, जिससे छात्र राजनीति खत्म होने की कगार पर है। तो छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर के छात्रों में आक्रोश देखने को मिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका है और 2 वर्षों से चुनाव ना होने पर, छात्र संघ के चुनाव ना होने पर ये रोष जाहिर किया है और चुनाव कराने की मांग की गई है। लक्सर की ये तस्वीरें हैं जहां पर छात्र संघ ने उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत का पुतला फूंका है। मांगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ही मांगे कि छात्र शक्ति को देखे और जल्दी से जल्दी महाविद्यालयों में चुनाव करने की घोषणा करे। से कोरोना काल चल रहा था तो छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा था किसी भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में, लेकिन उत्तराखंड सरकार लोकसभा, विधानसभा, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को बहुत ही शानदार तरीके से करा रही थी, लेकिन छात्र संघ चुनाव के नाम से वे मौन हो जाती थी। आज पूरे उत्तराखंड के अंदर धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री है उनका पुतला दहन किया गया है एबीवीपी द्वारा और ये मांग की गई है कि अगर जल्द ही छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं होती तो पूरे उत्तराखंड के अंदर एबीवीपी के कार्यकर्ता उग्र आंदोलन को बाध्य हो। धामी कैबिनेट की बैठक में 25 अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान नैनीताल हाईकोर्ट को शिफ्ट करने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। इसके साथ ही धर्मांतरण का कानून सख्त करने का फैसला हुआ है, जिससे अब उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून गैर जमानती हो जाएगा और जिसमें 10 साल की सजा होगी। देखिए एक रिपोर्ट। बुधवार का दिन क्या वाकई में उत्तराखंड के इतिहास के अध्याय में नया इतिहास का गवाह बन गया या फिर धामी सरकार ने जनता का ध्यान भटकाने का प्रयास किया? ये सवाल और सियासी शोर क्यों, तो पहले वो जान लीजिए।
दरअसल बुधवार को धामी सरकार की देहरादून में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में एक के बाद एक लगभग 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी, मगर विपक्ष ने धामी कैबिनेट के फैसलों पर सवाल उठा, उसे धर्म और जाति की सियासत से जोड़ दिया। विपक्ष ने क्या आरोप लगाए वो आगे आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जरा धामी सरकार के कुछ बड़े फैसलों पर नजर दौड़ा लीजिए। धामी कैबिनेट में फैसला हुआ कि हाई कोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट किया जाएगा, यानी कि नैनीताल से हल्द्वानी शिफ्ट होगा अब उत्तराखंड का हाई कोर्ट। फैसला उत्तराखंड में धर्मांतरण कानून को लेकर भी किया गया कि जबरन धर्मांतरण अब अपराध होगा, साथ ही नए कानून में 10 साल की सजा का प्रावधान होगा। कैबिनेट का दावा है कि इस तरह के सख्त कानून से जबरन धर्मांतरण और लव जिहाद के मामलों पर रोक लगेगी। सारे महत्वपूर्ण विषय जो भी मंत्रिमंडल में माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष आते हैं वो सारे 22 बिंदुओं पर बातचीत हुई। हाई कोर्ट को लेकर विषय आया है और चूंकि नैनीताल पर्यटन दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उसको लेके उसके बारे में बातचीत हुई है और सैद्धांतिक स्वीकृति दी है कि हम नैनीताल को नेत्र शिफ्ट करने की बातचीत उसमें हुई है। सारे पशुपालकों को मैं बधाई भी देता हूं और उनको विश्वास जताता हूं कि जो माननीय मोदी जी का सपना है कि हमारे पशुपालकों की आय दुगनी होगी, हमारे पशुपालकों को और सशक्त बनाया जाएगा, उस पर उत्तराखंड सरकार कार्यरत है। मैं पर्सनली जा रहा हूँ, उधम सिंह नगर के दौरे पर रहूँगा 4 दिन के। 17 तारीख को हम नादेही शुगर मिल की पेराई सत्र स्टार्ट कर रहे हैं, 18 को सितारगंज की स्टार्ट कर रहे हैं, 19 को बाजपुर कर रहे हैं और 20 को किच्छा का हम पेराई सत्र शुरू करेंगे और 21 को डोईवाला कर रहे हैं। तो हमारी पहली बार ऐसा हुआ है उत्तराखंड में कि हमारी जो चीनी मिलें हैं नॉर्मली जो हैं वो फर्स्ट वीक दिसंबर या 10-12 दिसंबर तक शुरू होती थी, इस बार सारी चीनी मिलें 20 नवम्बर के आसपास शुरू होने जा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार को घेरते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जनता के मुद्दों पर एक बार भी ध्यान नहीं दिया और आवाम को गुमराह करने का काम किया। ना तो अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर कोई फैसला लिया और ना ही UKSSC के आरोपियों की CBI जांच कराने के लिए मांग को मंजूरी दी गई। कांग्रेस धामी सरकार के कैबिनेट के फैसलों पर कटाक्ष करते हुए कह रही है कि सरकार सिर्फ धर्म और जाति को आधार बनाकर चुनाव जीती थी, अब उसी का ट्रेलर है। सरकार की इच्छा है, जो चाहे वो करे, हमें किसी चीज में आपत्ति नहीं, लेकिन राज्य के जो प्रमुख मुद्दे हैं, मेरा मानना है कि इस राज्य का इसमें सबसे बड़ा मुद्दा था अंकिता भंडारी हत्याकांड, जिसमें उत्तराखंड की तमाम बेटियां चाहती थी कि उसकी CBI जांच हो। उत्तराखंड का सबसे दूसरा बड़ा मुद्दा था UK SSSC का जो CBI जांच हो, उस पर सरकार को कुछ कार्रवाई, कुछ एक्शन लेना चाहिए था, डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि आपकी कैबिनेट है, कैबिनेट मगर आप इन चीज़ों पे मुद्दों पे अगर बात करेंगे, आपका बैकडोर एंट्री जो विधानसभा में हुई थी उस पर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार, क्योंकि सरकार ये धर्म के नाम पे बनी है, हिंदू मुस्लिम जाति इस तमाम मुद्दों पे अगर सरकार कैबिनेट में डिस्कस करे तो करे, लेकिन सरकार को उत्तराखंड के लोगों को जवाब देना होगा कि आप किस मुद्दे पे उत्तराखंड में आए हो। तो ऐसे में सवाल ये कि क्या वाकई में धामी सरकार ने जनता को गुमराह किया या फिर अपने फैसलों से उत्तराखंड के हित को लेकर एक नजीर दिखी। खैर, इतना जरूर है कि धामी ने एक बार फिर से उत्तराखंड में अपने राजनीतिक फैसलों को लेकर धमक जरूर पैदा कर दी। अबे कैंतूरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। देहरादून मसूरी मार्ग पर बड़े मोड़ पर स्थित मां दुर्गा मंदिर से चोरी की वारदात सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि ये मंदिर से बड़ी खबर आई है, जहां पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चोरों ने दानपात्र और छत्र पर भी अपना हाथ साफ किया है। चोर मंदिर के दानपात्र से पैसे और भगवान पर चढ़े चांदी के छत्र भी चुरा कर ले गए। मसूरी कोतवाल दिगपाल सिंह कोहली ने कहा है कि CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं, चोरों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो रात को आरती उड़ती की थी और आरती करने के बाद जैसे मैं मंदिर का कुंड बंद करके कमरे में गया, तो विश्राम करने के लिए गया, सुबह जैसे मैंने आरती के लिए मंदिर के कवाट खोले तो बिल्कुल मंदिर बिल्कुल तहस नहस हो रखा था, पूरा मंदिर तोड़ा हुआ था। यहाँ से जो दान पात्र है वो भी बिखरा हुआ था, सारा दान पात्र गायब है। क्या क्या चोरी हुआ है यहाँ से? यहाँ से एक तो हमारे मंदिर का जो गल्ला होता है वो तोड़ताड़ के सारे पैसे चोरी हो गए थे,
और जितने भी हमारे मंदिर का जो छत्र है, माता रानी का छत्र छोड़ के अन्य जो छत्र है वो भी चोरी हो गया। सुबह में जैसे मंदिर लगातार पहाड़ों पर होने वाली घटना के कारण राज्य में एयर एम्बुलेंस की कमी अधिकारियों को भी खलने लगी है, जिसे देखते हुए प्रशासन ने शासन स्तर से एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था किए जाने की मांग की है। तो वहीं मांग को देखते हुए शासन ने अलग बजट का प्रावधान भी कर दिया है और इसे लेकर स्वास्थ्य सचिव ने कहा है कि केंद्र से अनुमति के बाद अब राज्य स्तर से कवायद तेज कर दी गई है, जल्द से जल्द व्यवस्थाओं को लागू किया जाएगा। हमारे यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र के हिसाब से किसी भी पेशेंट को कोई हादसे के बाद एक घंटे के अंदर अच्छे उच्च गुणवत्ता वाले हॉस्पिटल्स में ले जाना बहुत आवश्यक रहता है, जिसको हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। और इस गोल्डन आवर में अगर पेशेंट को हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध करा देनी है तो हेलीकॉप्टर की हमारे यहाँ पहाड़ में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो उसके चलते अभी भारत सरकार से एक हम लोगों को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि वो पायलट बेसिस पे एक साल के लिए हम लोग हेली एम्बुलेंस चलाना प्रस्तावित है। उसमें उनके द्वारा कहा गया था कि उसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया वगैरह भारत सरकार करेंगे। ये हमारे यहाँ के पहाड़ी क्षेत्र के हिसाब से किसी भी पेशेंट को उत्तराखंड की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते राज्य में आपदा जैसे हालात बनना आम बात है। आपदा या किसी हादसे के दौरान मरीजों को अगले एक घंटे के भीतर किसी बड़े अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता होती है। ऐसे में इस गोल्डन आवर के भीतर मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने का प्रस्ताव पास हुआ है। आपको बता दें कि एयर एम्बुलेंस को लेकर सारी प्रक्रियाएं शुरू हो गई है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए शुभ संकेत माने जा रहे हैं। किसी भी पेशेंट को कोई हादसे के बाद एक घंटे के अंदर अच्छे उच्च गुणवत्ता वाले हॉस्पिटल्स में ले जाना बहुत आवश्यक रहता है, जिसको हम लोग गोल्डन आवर कहते हैं। और इस गोल्डन आवर में अगर पेशेंट को हॉस्पिटल की सुविधा उपलब्ध करा देनी है तो हेलीकॉप्टर की हमारे यहाँ पहाड़ में बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो उसके चलते अभी भारत सरकार से एक हम लोगों को एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है कि वो पायलट बेसिस पे एक साल के लिए हम लोग हेली एम्बुलेंस चलाना प्रस्तावित है। उसमें उनके द्वारा कहा गया था कि उसकी टेंडरिंग की प्रक्रिया वगैरह भारत सरकार करेंगे। बीजेपी के रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ ने राजधानी देहरादून में, आपको बता दें कि प्राइवेट एम्बुलेंस के सिंडिकेट पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो आपको बता दें कि देहरादून में प्राइवेट एम्बुलेंस के बढ़ते सिंडिकेट पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। बीजेपी विधायक ने कहा है कि प्राइवेट एम्बुलेंस मरीजों को सरकारी अस्पताल में इलाज कराने के बजाय प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराने का काम कर रहे हैं, जहां पर मरीजों से भारी भरकम फीस वसूलने का काम किया जाता है और इस काम के लिए एम्बुलेंस के ड्राइवरों को निजी अस्पतालों के द्वारा मोटा कमीशन भी दिया जाता है। ये देहरादून की बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ जितने भी प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं इनका एक गठबंधन आपस में बन गया है कुछ डॉक्टरों के हॉस्पिटल वालों के साथ, और ये दून हॉस्पिटल या हमारे गढ़वाल से कोई भी आता है तो दून हॉस्पिटल के नाम का वो दूसरे हॉस्पिटलों में कमीशन के रूप में धंधा है। आपस में कई झगड़े भी हो रहे हैं, कई इसमें उन्होंने एक कॉकस बना लिया जो जनता के साथ अन्याय नहीं कसाई के रूप में काम कर रहा है। देहरादून मसूरी रोड पर अवैध कब्जों को लेकर सरकार जल्द ही सख्त रुख अपनाने वाली है। मसूरी विधायक गणेश जोशी ने जिलाधिकारी को इस मामले के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक पत्र लिखा है। बता दें कि मसूरी देहरादून के बीच ऐसी कई दुकानें हैं जो अवैध रूप से लगाई गई हैं, और यही नहीं इनमें से कई दुकानों पर नशे को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसे लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने चिंता जाहिर की है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जल्द ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी और अवैध निर्माण के ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया भी जल्द शुरू कर दी जाएगी। अगर आपने देखा होगा अब देहरादून से मसूरी को जाएं, रोज नए नए मैगी पॉइंट वहां पर खुल रहे हैं और जिस प्रकार के काम वहां पर हो रहे हैं
उसका उल्लेख करना मीडिया के सामने ठीक नहीं है। तो मैंने जिलाधिकारी निश्चित किया है कि जो इस प्रकार के अवैध निर्माण हो रहे हैं, फॉरेस्ट की जमीन पर हो रहे हैं, उनको तुरंत रोका जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि आज हमारी जो बच्चे हैं वो खराब हो रहे हैं, नौजवान पीढ़ी खराब हो रही है, और उनको रोकना कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है, और उसमें किसी प्रेशर में ना आए, इनको रोकें। ज्योतिष पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती एक दिन के हरिद्वार प्रवास के बाद ज्योतिष पीठ के लिए रवाना हो गए हैं, और वहां जाकर वे 235 साल पूर्व बंद हुई परंपरा को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे। शंकराचार्य बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने पर उनके विग्रह के साथ जोशीमठ तक आएंगे। ऐसी परंपरा रही है कि जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद होते थे और जब खुलते थे तब शंकराचार्य चल विग्रह के साथ जाते और आते थे, और यह परंपरा 1776 ईस्वी में बंद हो गई थी, जिसको शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा फिर से शुरू किया जाएगा। देखिए, कुछ अच्छी चीज़ें तो जरूर हो रही हैं। देखिए, पिछले सैकड़ों वर्षों के बाद ये पहला अवसर आया जब एक इतिहास उत्तराखंड में बना कि तीन पीठों के शंकराचार्य एक साथ ज्योतिर्मठ में समवेत हुए, और एक बार फिर एक और अच्छा अवसर होने जा रहा है कि लगभग 235 वर्ष पहले 1776 में जब रामकृष्ण स्वामी जी ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य थे, तब वो पालकी में बैठ करके बद्रीनाथ से पटबंध करा करके जोशीमठ आए थे। उसके बाद से आज तक कोई भी ज्योतिषपीठ का शंकराचार्य पटबंध करा करके पालकी के साथ लौट करके ज्योतिर्मठ नहीं आया, ये पहला अवसर होगा। देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।